भगवान दास जी यहीं रहते थे। परिवार? जी हाँ, इकलौता बेटा राज, बिगड़े रईस और मौसी, जिन्होंने राज को पाला है। जी नहीं, प्यार से उन्हें मौसी कहते हैं। फिर रामू, पीटर, गूंगा बजरंगी और हाँ सीता। नौकर? जी नहीं, सेठ जी ने इन्हें कभी नौकर नहीं माना। आज इनकी तेरही है। देखिए ना कितनी श्रद्धा और शांति है यहाँ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ सुना? अरे देखो जाके उसे क्या चाहिए। अब हम क्यों जाए? हमारे सामने का बच्चा हमको याद दिखाता है, अपन को गाली देता है, हम हर किसी नहीं जाएंगे। शट अप। ये सीता को यहाँ क्यों लिटा रखा है? अगर देख लेगा तो बिगड़ेगा, उठाओ उसे यहाँ से। मासी, सीता यही रहेगी। अजी हमको तो सेठ जी की वसीयत का इंतजार है। बस बक बक करते हो, जाके देखो उसे क्या चाहिए। ये क्या है मौसी? ये कपड़ा मैं नहीं पहन सकता, ये क्या लटक रहा है? चिल्लाना तो आता है ना, 24 घंटे घर में उधम मचाता रहता है। इतना बड़ा हो गया है अभी तक कपड़े पहनाने पड़ते। ओहो भगवान, न जाने तेरा बचपना कब जाए। नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, ये पहन। पहले आप ये बताओ कि वो साले यहाँ से गए कि नहीं? हाँ। जैसे आप जानती नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको आपने अपने सर पे बैठा के रखा है। अरे सबके सब मेरे बाप बनने के चक्कर में थे। ठीक है वो तो चले जाएंगे, पहले तू तो चल। चल। आइए यजमान, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। क्यों, एहसान कर रहे हो क्या? पंडित जी माफ करिएगा, चल तू बैठ। ये क्या? अरे तू चल बैठ, चल ना बैठ जा। पंडित जी शुरू करिए। ओम अवस्त्र पौत्रो वा सर्वोवसां गतो पिवाय स्मृत पुनरेकाख्यं सभायाभ्यां सरस्वती ओम समुखश्चैव दन्तश्च कपलो गजकनक लंबोदर विघ्ननाशो विनायक। साले सब के साथ ड्रामा कर रहे हैं। यजमान पूजा तो करने दीजिए। शाबाश। ओम समुखश्चैव दन्तश्च कपलो गजकनक लंबोदर विघ्ननाशो विनायक घूमर कैतु गणाधर्षो बालचंद्र। वकील साहब को आने वाले। यजमान पहले मुझे पूजा करने दीजिए। अरे वकील साहब आ गए, उठो। आइए आइए। फुर्सत मिल गई? वसीयत कहाँ है? जी मेरे पास है। पढ़िए। आज बतारीख 19 दिसंबर 1977 मैं भगवान दास मल्होत्रा वल्ल प्रभुलाल मल्होत्रा अपने पूरे होश हवास में ये आखिरी वसीयत कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अपने बेटे राज मल्होत्रा को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं उसकी तमाम हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कि वो जुए में 5 लाख का कर्जदार है और कोठी नंबर 27 सिविल लाइन्स में जो माया नाम की लड़की रहती है उसे इश्क करता है। इसलिए मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद उसने शादी नहीं की। ऐसे हालात में मजबूरन मुझे अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को बचाने के लिए ये रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर राज माया को छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर ले, और शर्त यह है कि वो लड़की राज के साथ साथ कारोबार में बराबर की हकदार हो, वरना मेरी तमाम दौलत अनाथ आश्रम में दे दी। इसका मतलब ये कि तुमने मेरे बाप को पति बनाई थी? जी नहीं। तुमने मेरे बाप को पति बनाई थी? क्या करता है, क्या करता है? I get out. जा रहा है? हाँ क्यों? शादी के बारे में क्या सोचा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बेटा, थोड़े से दिन रह गए हैं। ये देख, जिस लड़की को तू पसंद करेगा उसी के साथ तेरी शादी कर दूंगी। मुझे शादी वादी नहीं करनी। शादी नहीं करना चाहता तो क्या चाहता है? माया? जिस दिन तेरी माया को पता चल गया कि तू भिखारी है वो कभी तेरी तरफ पलट के भी नहीं देखेगी। माया तो क्या, कोई भी तुझे नहीं पहचानेगा। काहे अपना दुश्मन बना जा रहा है? कुछ दिनों में मैं तो क्या, भगवान भी तेरी मदद नहीं कर सकते। कहाँ जा रहा है बेटा, तू सुनता क्यों नहीं? राज बेटा समझता नहीं, भगवान जाने इसकी तकदीर में
क्या लिखा है। क्या कह रहा था मैं? क्या 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 राज कर रहा है यार? कुछ किया तुमने अब तक? नहीं मैं क्या मैं कर रहा है? कुछ सोचा अब तक? कहा के तो जमाने में अगर मैंने शादी नहीं की तो जायदाद में से मुझे एक पैसा नहीं मिलने वाला। वो मैं जानता हूँ। लाना तो तुम दोस्तों पर यार। लाना तुम दोस्तों यार काका। निकल जा। हाँ हम क्या कर सकते हैं? कर भी कह सकते हैं। अबे कुछ खोपड़ी लड़ाओ नहीं तो भूखे मर जाओगे। भूखे मर जाओगे तू भी सोच। याद आया? क्या याद आया? वो तुम्हारा। अरे कौन? दोस्त। अबे कौन सा दोस्त? बूढ़ा। अबे कौन सा बूढ़ा? बक उस्ताद। उस्ताद
उस अरे अभी तक मेरी खोपड़ी कहाँ थी उस्ताद? उस्ताद तो बड़े कमाल की चीज है, क्या खोपड़ी है उसकी, लौंडिया तो यूं पटाता है। हाँ बन गया काम उस्ताद। बेवफा माशूक, आशिक को खंबे पे चढ़ा दिया, मोहब्बत का ये सिला दिया, अरे खुदकुशी के तीन तरीकों में फंसा दिया, धमका, बिजली का खंबा, ये कुआं। लोग हीरे की कनी खा के खुदकुशी करते हैं, मैं झुमका निकल के खुदकुशी करूंगा, बिजली का तार पकड़ के यही भुन के खंबे से चिपट जाऊंगा, या कुएं में छलांग मार के अपनी जान दे दूंगा। बोल, अरे चबूतरा हो गया? नहीं चबूतरा है, लेकिन लेकिन हो सकता है मेरी खुदकुशी के बाद यही चबूतरा कुआं बन जाए। जल्दी फैसला कर, झुमके 9 लाख के हैं। 9 लाख? अरे शादी गई बाढ़ में, और शुदा भी। अरे कोई शुदा समझा है, गुंडा समझा है, बदमाश समझा है? अरे आशिक हूँ बहारों का गुलबदन, या तो ये झुमके तुम्हारे कान में होंगे या हमारी जबान में होंगे। मैं डरती हूँ। डरती हूँ? डरती हूँ का मतलब ये हुआ कि तुमसे प्यार करती हूँ। अरे गुरबदन, अब तो हम तुम्हारे लिए पहलवान से लड़ सकते हैं, आसमान पर चढ़ सकते हैं, और अगर तुम कहो तो तुम्हारी खोली की पिछली दीवार पर चढ़ सकते हैं। मगर ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा जान कितने बजे सोते हैं? मैं सोए, जमाना गुजर गया। अरे सोने दो उन्हें। साउंड बॉक्स जलाने से मर्दाना कैसे हो गया, ये आवाज बदल कैसे गई? अभी तो आवाज ही बदली है, अब मैं तुम्हारा नक्शा भी बदलती हूँ। समझ गया। अरे बेगम, तुम इतनी बड़ी उम्र तुमने क्यों पाई है? मेरा मतलब यह है कि तुमने कितनी बड़ी उम्र पाई है। अभी अभी मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था, पूछ लो बच्ची से। बोल बच्ची। बिल्कुल छूट हसीना, ये तो मुझे ही झुमका पहना रहे थे। अरे क्यों मुझे टोपी पहना रही है? अरे ये झुमका मैं इससे पसंद करवा रहा था तुम्हारे लिए। अरे ये बुटकी जहर की चुटकी तुम्हारा घर उजाड़ना चाहती है, तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, समझो? जी नहीं, मैंने ही इसे भेजा था, ये मेरी सहेली है। सहेली? ये कैसी पहेली? ठहरो, बताती हूँ। क्या? जब पल दाऊद के जूते हिस तो सकते हैं, लेकिन फट नहीं सकते। अरे पकड़ गुलबदन। अरे हट, ले झुमका, नहीं नगीना को दूंगा। अरे भागते कहाँ हो? जान बची, लाखों पाए दाऊद के जूते छू ना पाए। अरे तुम कैसे आए? साथ बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। अरे मुसीबत में मैं भी फंसा हुआ हूँ। अरे कहाँ मर गए? अरे लगता है दिन भर गए। चलो यहाँ से, चलो चल यहाँ से। हाय, उठ गई किस्मत। और न जाने आप कौन सी हसीना को झुमके पहना रहे होंगे। जाने भी दीजिए बाजी, आप तो यूं ही वहम करती हो। अरे तुम नहीं जानती, उनके पास और भी बहुत से दाव हैं। दाव तो जबरदस्त चला है बूढ़े ने, अरे खून की पुकार तक नहीं सुनी, मगर हम भी किसी से कम नहीं। वसीयत नामा लिख के गया है कि शादी करवा दो तो शादी करवा दो। अरे किसी चुनिया से करवा दो, गुड़िया से करवा दो, गुड़िया से करवा दो। अरे गुड़िया तो बेजान होती है। अरे तो किसी जानदार बुढ़िया से करवा दो। बुढ़िया से? बुढ़िया? अरे मिल गई जादू की पुड़िया, झूला जल्दी झूला। उस्ताद, राज बुढ़िया के साथ शादी नहीं करेगा। अरे नहीं करेगा तो मरेगा, माया को माया कैसे मिलेगी? बुढ़िया से नहीं तो किसी जवान से करा दे, मगर वो बीमार होनी चाहिए। बेबी तुम समझते क्यों नहीं, राज ऐसा छोकरी से शादी बनाएगा जो मर जाएगा। माल पानी मिलने का एक ही रास्ता है, समझा? तुम राज करेगा राज। लेकिन आंटी। व्हाट आंटी? हाँ वेट, पहले हमको ये बताओ वो मरने वाला छोकरी है किधर? आंटी वो अपना स्पेशल कमचा ना काके, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा आंटी। ओ लेकिन आंटी प्लीज, आंटी इसको समझाना आंटी। हां हां, वेट मैन। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, अब मिल गई मिल गई, मरने वाली मिल गई। क्या होता है? मैं देख देख क्या होता है। पहले मिठाई खिला, ये सेब का। अरे मिठाई भी मिलेगा, एप्पल भी मिलेगा, पहले ये बताओ वो छोकरी है किधर। ये ओ रचना,
काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी आराधना हो। वाह वाह, कवि महाराज तो आप भी ईश्वर मानते हैं। चोरी चोरी, बुरी बात है। अच्छा डॉक्टर ने क्या कहा, तुम्हें दर्द क्यों रहता है? क्यों बताओ? अरे बाबा, गुस्सा तो जैसे नाक पे रहता है, भला मैं तुमसे कुछ छिपा सकता हूँ? दरअसल बात यह है कि उस लड़की को पता ही नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और पहले ये तो पता चले कि वो लड़की मुझ जैसे गरीब और बेकार आदमी से प्यार करेगी। या मुझे उसका नाम पता बता दो, मैं उसे मना लूंगी। नहीं रचना, जो प्यार बेकारी और सपनों से पैदा होता है उसकी कोई बुनियाद नहीं होती, कोई बुनियाद नहीं होती। छोड़ो भी, आप तो बता दो डॉक्टर ने क्या कहा। रचना बता, तुम्हें भगवान की कसम, तुलसी डॉक्टर ने कहा, कहा है मुझे मुझे कैंसर हो गया है। कैंसर? अरे तुम तो जाग रही हो। आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये लो दवा पी लो। ये क्या, दवा नहीं पियोगी तो ठीक कैसे हो गया? तुलसी मैं बहुत थक गई हूँ। फिर तुमने शुरू कर दिया। मैं थक गई, मैं अच्छी नहीं होंगी, मैं कभी अच्छी नहीं हो सकती। बिल्कुल गलत। देखो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। याद रखना, फिर कहोगी तुलसी मुझे उसी पहाड़ी पे ले चलो जहां से डूबता सूरज बहुत अच्छा लगता है। सच है ना? हाँ, मैं भी डॉक्टर महेंद्र से मिल के आ रहा हूँ। वो कह रहे थे कि तुमको सब कुछ खाना चाहिए। ले लो। लेकिन तुलसी, डॉक्टर महेंद्र तो शहर में नहीं है। तुम कब तक मुझे छोटी तसल्ली देते रहोगे? सभी जानते हैं मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। तुलसी तुम ये सब क्यों करते हो? मैं ये सब क्यों करता हूँ? वहाँ जी तुम लोग मालूम नहीं ये अनाथ आश्रम है, यहाँ क्या लेने आए हो? नहीं, हम लेने नहीं, हम तो देने आए हैं। देने आए? बात दरअसल ये है कि इनके पिता का देहांत हो चुका है। अफसोस है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बेवकूफ जी। इनका मतलब है कि इनकी जगह कोई दूसरा बेवकूफ होता तो खामखा दान दक्षिणा करता, पंडितों को खाना खिलाता, लेकिन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ दान करना चाहिए और कब दान करना चाहिए। बोलो राज बाबू, दे दे। हाँ लीजिए, ये फूल ही है जी। 5,000 रुपए। बैठिए ना, बैठिए। आपका नाम? जी मेरा नाम आनंद है। मैं आपके बारे में नहीं, इनके बारे में पूछ रही हूँ। इनका नाम श्री राज बाबू। क्या ये? अजी नहीं, वो शर्माते बहुत, अपनी तारीफ से दूर भागते हैं। सुनिए, आपका आश्रम तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। और लोग भी रहते होंगे? बहुत लोग रहते हैं। आइए ना, मैं आपको दिखाऊं। आइए आइए, ये राज, चलिए राज बाबू आइए। ये रहा हमारा किचन। अरे तुलसी, तूने तो कहा था मेरी एक तस्वीर बनाएगा, क्यों नहीं बनाई बेटा अभी तक? माफ करना मौसी, मेरी माँ की तबीयत जरा खराब है, अब वो बिल्कुल ठीक है, अब मैं आपकी तस्वीर जल्दी बना दूंगा। अच्छा कोई बात नहीं। राज बाबू ये है तुलसी, बहुत अच्छा लड़का है। प्रणाम करो बेटा। नमस्ते जी। चलिए चलिए आइए। अरे मिसेस शर्मा, आप कब आई? अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ, रचना को देखने आई थी। सचमुच बहुत अफसोस है। राज बाबू, आप हैं हमारी ट्रस्टी मिसेस शर्मा, और आप हैं राज बाबू। नमस्ते। नमस्ते। कबाब में हड्डी काके?
ये किसकी बात हो रही जी, है? वो हमारे यहाँ एक लड़की है, बेचारी बहुत बीमार रहती है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। काकी, इस लड़की को तो देखना पड़ेगा। हो गई मुसीबत। क्या हुआ? ये रात भर नहीं सो सकेंगे। क्यों? किसी का दुख देख ही नहीं सकते, बहुत दुखी है बेचारे। कल जो सज्जन आए थे ना 5000 रुपए लेके, वो ये सब फूल लाए हैं मेरे लिए। हाँ, मुझे बहुत तरस आता है उस बेचारी पर। लगता है सारी दुनिया का बोझ अपने कंधे पे उठाए हुए है। अकेली जान, ना अपना होश, ना उसे कोई देखने वाला। क्यों चाची, क्या उनका भी कोई नहीं है? कहाँ है बेटी, एक बाप था जो कुछ दिन पहले उसे छोड़कर चला गया बेचारे। और जानती है, 24 घंटे बस तेरे ही बारे में सोचता रहता है। कहता है तेरी थोड़ी सी खुशी के लिए मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ। और मेरे पास वो गिड़गिड़ा रहा था, तेरे लिए भीख मांग रहा था बेटी। मेरे लिए? हाँ बेटी, वो तुझसे शादी करना चाहता है। सुबह सुबह ये कयामत कहाँ से आई? हाय हाय रे अंगड़ाई, रस में दुनिया भी है, मौका भी है। अरे हाँ तुम, अरे आई का है? अरे क्या नहीं है, है? अरे बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? पुरवाई। अरे पुरवाई, सुबह सुबह ये ईमान शिकन अंगलाई, समझ गया, तुम्हें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए ना? मैं क्रांतिकारी हूँ, इनकलाब लाना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ। जवाब थप्पड़ से। ये सुबह सुबह ही है। क्या वो बच्ची को मैं ड्रामे की रिहर्सल करवा रहा था। अगर शोर से तलाक लेनी हो तो किस किस्म का झापड़ मारना चाहिए? कमबख्त ने बहुत जोर से मार दिया। आइंदा मिलूंगा। तुम लोग फिर क्यों आए हो? उस्ताद, वो लड़की नहीं फंसी। नहीं फंसती तो फंसाओ। कैसे? कैसे? पैसे, पैसे। उस्ताद सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो शादी करने की राजी नहीं होती। नहीं होती? राजी नहीं होती है तो राजी करवाओ। कैसे? कैसे? वो बीमार है ना, तो कुछ तीमारदारी इलाज करवाओ। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, गॉन केस। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मेरा सब कुछ ले लीजिए, मेरी जायदाद ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन इस गरीब को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, इस गरीब को बचा लीजिए। राज बाबू, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है इस लड़की के सारे सपने और अरमान दिल में ही रह जाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, इस फूल को मैं मुरझाने नहीं दूंगी डॉक्टर साहब, इस फूल को मुरझाने नहीं दूंगी डॉक्टर साहब। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगा। यह अन्याय है डॉक्टर साहब। राज बाबू और मुझे कहां कहां ले जाएंगे और कितना पैसा बर्बाद करेंगे मुझ पर। पागल छे,
तुम ही बताओ, भूखा रहकर पूजा करके और दान करके आदमी मौत से बच जाता तो क्या सभी यही ना करने लगता? क्या गिर गया ना, और क्या होगा? 7 दिन से मुंह में पानी तक नहीं गया है, अपना जान देने को तैयार है बेवकूफ। कितने अच्छे हैं, देवता है देवता। रचना हो गया ना प्यार, लेकिन तुम्हारी ये हालत राज बाबू। हाँ? आप मेरे लिए और कुछ न कीजिए। क्यों? मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। लेकिन मैं आपसे तो कुछ भी नहीं मांगता। जालिम हसीना, तूने छुड़ा दिया मेरा पसीना। पापा आप अंधे हैं? हाँ हम अंधे हैं। बच्ची क्या ये तुम्हारे कंधे हैं? अरे अरे ये जालिम मोटर वाले बड़े संग दिल हैं। हम अंधों की तलाश में रहते हैं कि कब हम सड़क पे आए और ये हमें नीचे लें। पापा ये बगीचा है। ओ ये बगीचा है, ओ तब तो फल जरूर मिलेगा। आओ झाड़ियों में आ जाओ। मेरा मतलब ये है कि हम कई दिनों से भूखे हैं, कुछ फल फ्रूट खा लेंगे झाड़ से तोड़ के, तो दुआ देंगे तुम्हें। तुम रो रही हो? अरे हम दर्द तुम्हारी अजरे, वो दो आंसू तुम्हारी आंखों में, दो आंसू किसी अच्छे खानदान की मालूम होती है। हो जाओ, अरे किसी अच्छे खानदान की मालूम होती हो जाओ। अरे क्या कर रहे हो? वो फिर आ गए, वो दोनों। आपको दिखाई देता है? नहीं मैं सुन सकता हूँ। देखो वो बहुत खतरनाक है, तुम्हारे मन के आंगन में उतरना चाहते हैं, रेपिस्ट है, भाग जाओ। उस्ताद, उस्ताद, ये क्या था? था नहीं, थी। जब आओगे बेवक्त आओगे नासिर हुसैन। उस्ताद मेरा नाम ताहिर हुसैन। उस्ताद मेरा नाम अजी, कुछ भी नाम होगा तुम्हारा, कौन हो तुम? हाँ तुम वो हो, क्या हुआ उस लड़की का? वो बोलती नहीं उस्ताद। अरे तो वो गूंगी होगी। शादी के लिए हाँ नहीं बोलती। हाँ। नहीं बोलती? अरे शरीफ लड़की क्या अपने मुंह से हाँ बोलती है? अरे शरीफ लड़की अपनी निगाहों से हाँ बोलती है। अरे उसकी निगाहों की जबान को समझो, उसकी निगाहें कुछ कहती है। आंखों से बोलती, बोलती है ना, तो समझो, जाओ उसकी सगाई कर दो। ये सब क्या है? यार रख, ये राज बाबू की तरफ से शगुन सगाई का। सगाई? जी सगाई का। आंटी आप लोग मुझे गलत ना समझे। नहीं रचना देवी, मैं आप पर एहसान नहीं कर रहा, आप मुझ पर एहसान करेंगे। आप नहीं जानती आपके हाँ कहने से मेरे और मेरे पिताजी की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। हाँ जरूर मिलेगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये नहीं हो सकता राजबाबू, ये कभी नहीं हो सकता। प्लीज रचना देवी चले जाइए, राजबाबू चले जाइए, मुझे अपने हाथ पर छोड़ दीजिए। बेटी लगता है पिछले जन्म में तूने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे। तुलसी भैया, तुलसी भैया। ये क्या है? आज हमें छुट्टी मिली है, ये देखो मिठाई। क्यों? राजबाबू रचना दीदी के लिए सगाई लाए। तुलसी भैया तुम भी अपनी मिठाई ले आओ, चल रहे मोटू, देर हो रही है, चल। माहिरे माहिरे
हम सब इस घर के नौकर हैं। राज दो दिन का था जब मालकिन का देहांत हो गया, तब से ये हमारी गोद में पला बड़ा हुआ। कभी इसे माँ की कमी मैंने महसूस नहीं होने दी। उस दिन से ये जिम्मेदारी मेरी थी। अब तुम आ गई हो, ये लो। नहीं मौसी, आप अगर उनकी माँ हैं तो मेरी भी माँ है, और माँ के होते हुए मैं भला कैसे संभालूं। सुखी रहो। बहू रानी जी, जब अपुन का शादी हुआ था ना। जा, बहू बहुत थक गई है, अब उसे आराम करने दो। चलो उठो। भाई वकील साहब, आपको भी अभी पता चला है? जी हाँ, मुझे अभी 10 मिनट पहले इतना मिली कि शादी हो गई है, बस भागा भागा चला है। सुनो तो, बहू को मलाई कराओ। शट अप, बस चलो, तुम सब अपना अपना काम करो। पीटर जाओ, तुम अपना काम करो। आइए। क्यों देवी जी, चुपके चुपके ले आई बहू? जनाब डॉक्टर साहब, जैसे मुझे मालूम था। सिस्टर, हाँ? मैंने सुना है कि बहू अनाथ आश्रम से आई है। तो क्या हुआ, अनाथ आश्रम की लड़की बहू नहीं बन सकती? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बहू कैसी है? बहुत खूबसूरत। वेरी गुड, तो मुंह मीठा कराइए, खाली बातों से पेट भरने वाला नहीं है। शर्म नहीं आती, अंकल बनते हो। अरे मिठाई तो तुम्हें खिलानी चाहिए। बहू के लिए लाए हो कुछ? मुंह कैसे देखोगे? चलिए वकील साहब ले आए। बस बस बस, रहने दो। अरे रामू, बहू के लिए थाली लेकर उसके कमरे में रख देना, मैं आती हूँ। आप खाना खाए बगैर नहीं जा सकते। अरे चलना। लेकिन लेकिन आज के अंदर जाके क्या करूंगा? अंदर जा। मैं नहीं जानती आपको किस तरह से धन्यवाद दूं। इसकी क्या जरूरत है? आपने मुझे अपनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आपकी ये निस्वार्थ सेवा और प्यार, यही तो सबसे बड़ी इंसानियत है। हाँ, वो आप सचमुच देवता है। ओल्गा, क्या हुआ? आ, 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 क्या हुआ आपको? क्या हुआ? मेरे सर में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? मैं दबा दूं? मैं दबा दूं? नहीं, नहीं। करने दीजिए ना। नहीं जानती तूने ये सब क्यों किया। जब इतना किया तो थोड़ी सी जिंदगी दे दे। हे भगवान, आज मैं तुझसे रचना की जिंदगी की भीख मांगता हूं, उसे मेरी उम्र भी लग जाए। इनके 10 बज गए। राज बेटा, बहू। अरे अरे पीटर, रामू जल्दी आओ, बहू बेहोश हो गई। अरे बेचारी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? देखती रही, मैं सो रहा हूँ। चुप जाबे शर्म, जल्दी आओ, बहू बेहोश हो गई। नालायक, चक्कर वक्कर आ गया होगा। नालायक कहीं का। अरे वहां बैठा बैठा क्या देख रहा है, इधर आना मर इधर। वाह भगवान, बहुत जल्दी सुन लिया। पास पास, थैंक यू वेरी मच। क्या है किया जा रहा है? रात तक तो बहू ठीक थी, ऐसा तो कभी सुना नहीं कि सुहाग रात के दिन कोई बहू बेहोश हो गई। आपने कभी सुना है कि सुहाग रात के दिन कोई बहू बेहोश हो गई? बकवास बंद करो, चली जाओ यहां से। ओहो, तुम जाती हो कि नहीं यहां से? आप तो सठिया गए हैं समझे। जाइए जाइए यहां से। या, ओके ओके। बहुत खुश नजर आता है, और बहू बेचारी वहां बीमार पड़ी है। मैंने क्या किया? जंगली कहीं का।
डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है बहू की? बहुत ज्यादा खराब है, जांच के लिए ब्लड ले लिया है। तुम कहाँ जा रहे? बस मैं यूं जानते नहीं बहू की तबीयत खराब है, जाओ उसके पास जाके बैठो, चलो। डॉक्टर साहब जाते जाते जरा सीता को देखते जाइएगा। गॉड नोज राज का क्या होगा, मालूम नहीं क्या होएगा। अरे पीटर जी, राज का कोई टेलीफोन आया? नहीं, फोन वन तो कोई नहीं आया जी। समझ में नहीं आता ये लड़का, लेकिन मौसी बहू रानी कैसी है? अभी बहू की तबीयत अच्छी है। भगवान, चलो तुम लोग खाना खा लो जी, मुझे बहू को खाना खिलाना है। वो तो अच्छा। लेकिन डॉक्टर अंकल का पूरा यकीन है कि मर जाएगी। झूठे। झूठा मैं? टूटू प्लीज, पहले से मर जाने दो। टूटू राज, टूटू मेरी बात तो सुनो। ये पीटर क्या है यार, 11 बज गए, बहू रानी घर में अकेली है और वो लाट साहब का पता ही नहीं। ओनली गॉड नोस, इस नॉनसेंस को कब सेंस आएगी। अरे बहू तुम क्यों नीचे आ गई, तुम्हारा खाना तुम्हें ला रही थी। अकेले में जी नहीं करता खाने को, मैं यही खाऊंगी। यहाँ तो क्या हुआ, और अगर राज को मालूम हो गया तो? उन्हें कौन बताएगा। अच्छा बाबा बैठ जा, आइए यहाँ बैठिए। ले मौसी, वो सितार कौन बजाता है? राज, बहुत अच्छा बजाता है, पर न जाने क्यों परसों से उसने हाथ ही नहीं लगाया। मौसी मैं उसे अपने कमरे में ले जाऊं? अच्छा बेटी जरूर। मौसी सीता कैसी है? ओहो बेटी पहले तू खा तो ले, फिर सीता का पूछना। अच्छा तुम लोग भी खाओ ना। नाराज हो? नहीं तो, तुम हमारा बेबी का लाइफ खल्लास कर दिया जंगली। हेलो राज। हेलो आंटी। राज बेटा। हेलो आंटी, आंटी रो क्यों रही हैं आप? वो मर गई। अरे सुन तो। तुम समझती थी मैं बेवकूफ गधा? अब तो मानती हो ना कि मैं अकलमंद हूँ? ठीक है ठीक है, अकलमंद होगी नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं, मानती हो ना, होगी नहीं। तो फिर इस अकलमंद को क्या करना चाहिए? हाँ बोलो 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 बोलो, क्या करना चाहिए? इस अकलमंद को घर जाना चाहिए। राजू बेटा जोर जोर से रोना, आई बीवी मरी है वाइफ, हाँ वाइफ। ऐसे नहीं ऐसे। टूटू तुम भी बहुत अकलमंद हो। हाँ स्वीट। हम यतीम हो गए मौसी, हम बर्बाद हो गए मौसी, हम लुट गए मौसी, मौसी सिर्फ एक बार तो दिखा दो मेरी राह। अरे बेटे, नहीं, सीता।
मौसी, क्या हुआ? अरे मैं मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती। नहीं, अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। बहू को बाहर किसने जाने दिया? डॉक्टर साहब, I'm sorry, अब कुछ नहीं हो सकता। Okay, डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए। अब तो भगवान पे ही भरोसा है, मैं नर्स को भेज देता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, अपनी आत्मा की शांति के लिए अब आखिरी सेवा नहीं करूंगा। गुड बॉय। बेटे, मैं जो हूँ ना मौसी, अब जो कुछ भी करूंगा मैं ही करूंगा। हे प्रभु, हमारी बहू रानी को बचा लो प्रभु, हमारी उम्र उन्हें दे दो। मौसी, भगवान, हमारी बहू रानी को बचा लो भगवान। भगवान, इसको ऊपर बुला लेना, छुटकारा दे देना। क्यों परेशान कर रहा है, छुटकारा दे देना। ओके, देवी जी आप सुबह तक तो दफा हो जाएंगे ना? अरे यार, ये मैं घास हो गया भाई। अरे ये तो इस साली का कमरा गई, मर गई। भगवान, यू आर ग्रेट। तसल्ली तो कर लूं, मरी कि नहीं मरी देख लेता हूं। आप मेरे लिए सारी रात जागते रहे। मरवा दिया ना। मुझे इतना प्यार करेंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं। तो मैं मर भी नहीं सकूंगी। डॉक्टर साहब, बहू को होश आ गया, आइए ना। अरे वाह, देखो तो, वाह कमाल है। कमाल तो वही है। अब कोई शर्म करने की बात नहीं। बेटी तुम बहुत बहादुर हो, तुमने तो मौत को भी हरा दिया। मैंने नहीं, ये सब इनकी वजह से। राज, देखा बेटी कितना प्यार करता है तुझे। बेटी, दवा से ज्यादा प्यार में असर होता है, इसीलिए लोग प्यार को भगवान कहते हैं। मौसी, वो सारी रात जागते रहे हैं, उन्हें कुछ खिला दीजिए। अच्छा। राज, शर्म आ गया। शर्म आ गया, बेशर्म। टूडू, प्लीज टूडू, टूडू, टूडू। What did you cry? क्या है? डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो प्लीज। छोड़ के पास। कोई बात नहीं, प्यार नहीं। मैं सिर्फ तुम्हीं से प्यार करता हूँ। कह दिया ना, जाओ उसी के पास। मुझे उससे नफरत है। हाँ हाँ, बच्चा हो जाएगा तो प्यार भी हो जाएगा। मुझे बच्चा तुम्हीं से चाहिए। तो फिट्टे मुंह। सिर्फ एक मौका दे देना प्लीज। क्या?
कैसा माफ कर? मेरा मतलब थोड़ा सा टाइम दे देना प्लीज। सब नौकरी की छुट्टी कर दूंगा, अगर वो नहीं मारी तो मार डालूंगा साली को, समझे टूडू? ये क्या? यही तो मैंने मौसी से कहा था कि आप बहुत भोले हैं, आप नहीं समझेंगे, आप नाराज हो गए। मैं आपको खुश करने के लिए और क्या कर सकती हूँ? बेशरम, मर तो सकती हो। बोलिए ना। खाना तो दे सकती हो। ओहो, भूख तो लगी होगी, आप इतना काम क्यों करते हैं? तबीयत खराब हो गई तो? भयंकर नाटक फंसाने का पूरा प्रोग्राम है। आप न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। अरे ये तो सो गए, मेरा क्या, आज नहीं तो कल सही। हाँ अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, नहीं भूलूंगा पैसे ना। हाँ लेकर आ रहा हूँ, तुम ऑफिस में आ जाओ, मैं निकल ही रहा हूँ मैं। ओके बाय बाय। ये क्या है? चाय है। ये चाय तो पी लो आप। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? काम पर जा रहा हूँ, जा रोज जाता हूँ। सुनिए और भी कई काम है। अरे, जैसे कि? जैसे कि आप जानते नहीं बू आ रही है। अरे क्या हो गया आपको? मैं कहती हूँ नहा के जाइए। अरे क्या हो गया आपको? आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात क्या सुनूं मैं? कपड़े उतारी। What? कपड़े उतारी मैं कहती हूँ। क्या हो गया आपको? क्या आप बच्चों की तरह करते हैं आप? अरे कल तक तो आप ठीक थी, आज कपड़े 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 क्यों? मैं बेबी हूँ, पूरा हक है मुझे। हाथ मत लगाना मुझे, अरे मेरी इज्जत है ना बेशरम। अरे अगले महीने तो मैं नहा था। अरे अरे अपनी इज्जत नहीं दो, मेरी इज्जत करो रखो। अरे मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया मोदी। पीछा अपन कुछ नहीं देखा, तुम देखा? बॉय ने भी कुछ नहीं देखा। कम 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 सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाथ मत लगाओ। अच्छा बाबा नाश्ता तो कर लो। मौसी सुनो, हर बात में मौसी, अब मौसी नहीं रचना, समझे? मैं चाय लाती हूँ। राज बेटे तूने चेकबुक मंगाई थी? साली बहुत चहक रही है आज, मौके का फायदा उठाओ और चेक पे साइन करवाओ। इस पे साइन करो। मैं? क्यों? इसे बताओ। हाँ बेटी तुझे भी साइन करना होगा। लेकिन क्यों मौसी? सेठ जी अपनी वसीयत में ऐसे ही लिख गए थे। इसका मतलब है पिताजी को इन पे भरोसा नहीं था? ना बाबा ना, मैं साइन नहीं करती। तुलसी कहता था बड़े लोगों के न जाने क्या क्या धंधे होते हैं, मैं साइन नहीं करती। नहीं साइन करना, मत करो। नाराज हो गए, मुझे भरोसा है आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। लीजिए, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। वाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप, कहाँ चले? इनाम तो देते जाइए। मुझे जाना, बहुत जरूरी काम है। बेस्ट ऑफ लक। पहले तो बदबू आती थी, अब नहला के भेजती है, फूल लगा के है? दो दो चाहिए। अच्छा वाह फूल, कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप। मैं बात किए जा रही हूँ और तुम फूल सूंघ रहे हो। माया तुमने मुझे कभी खूबसूरत क्यों नहीं कहा? कभी शीशे में अपना मुंह देखा है? लंगूर लगते हो लंगूर। टूटू तुम समझते हो तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? ये लो अपने पैसे। टूटू मेरी बात तो सुनो। इस शहर में और भी राज हैं जो मेरी कद्र कर सकते हैं।
की जड़ है मेरी बीवी क्या कर अरे कहां से आ गई खत्म कर डाला बोले बोल क्या रहे थे मुझे मालूम ही नहीं था खत्म कर डाला बोतल टूट गए ये ड्राइवर गए पैसे तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया साहब बहू रानी ने बुलाया था साहब खाना खाने रुंगा नहीं ये ड्राइवर तुझे नहीं छोड़ूंगा गाड़ी चला गया इधर उधर नहीं देखता आदमी को चला गया आदमी मर गया तो बोले अरे कौन मर गया मरा नहीं क्या अरे नहीं मरा तो अंदर से टूट गया होगा तुझे नहीं छोड़ोगे यूनियन को बुलाऊंगा अरे पीटर के बच्चे साले तुझे नहीं छोड़ अरे है क्या अरे इधर आना अरे दारू है क्या नहीं तो माल दे दे ड्राइवर के बच्चे ये अरे यूनियन बाबू ये तो यहाँ का ड्राइवर नहीं है मालिक है मालिक रावण इस घर का रावण है रावण हाँ रावण रावण गिर गया अच्छा ही हुआ जब तक माल नहीं देगा तब तक गिरता ही रहेगा ये रावण आस्ते आस्ते ये कहाँ से आ गया भाई आई आई नमस्ते ओ तो आप आई इन बंदरों को लेकर इस नुकसान का कौन जिम्मेदार होगा अरे अरे क्या हुआ राज राज नहीं रावण कहो रावण अब क्यों नहीं निकलता मुंह से हा? राम का तो मैंने नहीं बोला आई नेवर से मुझे चल 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 दो आप अब तक यहीं खड़ी हैं आप और आपके यतीम यहाँ से दबाकर क्या लेंगे क्या कह रहे हैं आप तो क्या अपने बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत इन भिखारी में बांट दूं देखिए साहब हम यहाँ मेहमान हैं भिखारी नहीं भिखारी तो आप थे जो रचना का हाथ मुझसे मांगने आए थे बंद कर रही हो बकवास मोसीट तुम राज नहीं रावण हो वो राज तो कोई और था लेकिन आज आज मुझे लगता है कि उस शादी में भी कोई चाल थी क्या क्या तुम समझा राज भगवान के लिए समझ गई मैं आपके पांव पड़ती हूँ अगर तुमको इन लोगों से इतनी हमदर्दी है तो तुम भी जा सकती वहां से कौन है कौन है किसने मारा बाहर निकलो नहीं तो जान से मार डालूंगा कम यार कम यार मैंने मारा तुमने मारा हाँ खबरदार जो हाथ उठाया बच्चे पर शाबाश मेरे बच्चे आ बच्चों आप लोगों को क्या चाहिए जी वो चंदा आप लोगों का बाप यहाँ कुछ छोड़ गया था जो तुम्हें चंदा चाहिए भाग जाओ यहाँ से भाग जाओ सुनिए रावण रावण कहते थे नहीं नहीं वो तो देवता है आजकल कुछ परेशान है पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे फिक्र मत कीजिए क्या जच रही है भिखारियों के साथ और ये मौसी दो दिन साथ रही तो ये भी भीख मांगना शुरू कर देगी जी चाहता है मार डालूं साली को मगर मारूं तो मारूं कैसे हाँ शहर दे दूं मगर ये नौकर साले मक्खी की तरह चिपके जो रहते हैं मुझे फांसी हो गई तो साले तालियां बजाएंगे करूं तो क्या करूं रचना देखो कितना खूबसूरत नजारा है आओ देखो ना नहीं बाबू मुझे डर लगता है सिर्फ एक बार देख लो फिर दोबारा कभी डर नहीं लगेगा। डर लगता है रचना
तुम्हें मेरी जान की कसम, एक बार देख लो प्लीज। आओ देखो ना, देखो 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 कितना खूबसूरत नजारा। आओ गिर गया। क्या बगता है? ओ, आप नहीं, राज बाबू गिर गया। असली में या नकली में? हट, नो डुप्लीकेट, 100% रियल। डॉक्टर साहब, कम सून फ्लाइंग ऑन योर फीट, कम प्लीज। ओ सॉरी टैंक ऑन दी बॉडी। लेटा तो है आराम से। जा बढ़िया रोम टंग आराम से लगा बटे। ओ ज्यादा चिल्लाए तो इसकी दूसरी टांग भी तोड़। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहो। तोड़ दो मेरी टांग, तोड़ दो। ठीक हो जाएगा बच्चे। नहीं करो, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं खिलाऊंगी। मेरा सहारा तो ले लीजिए। कोई सहारा और मुझे नहीं चाहिए। कितनी बार कहा सितार बजा कर सुनाइए, कब सुनाएंगे? सितार उतार मुझे बजाने नहीं आता। आप मेरी टांगों पे चलिए सो जाइए। मैं कहती हूँ सो जाइए। अरे अरे ऐसा ओहो हेलो टूटू। हाँ हेलो। अरे बोलते क्यों नहीं? रॉन्ग नंबर। हाँ रॉन्ग। कौन था? रॉन्ग नंबर। अरे कुछ नहीं, मामूली सा अटैक था। अब बिल्कुल ठीक हूँ। तू सुना, तू तो खुश है ना? हाँ चाची मैं बहुत खुश हूँ। सच कह रही है? हाँ चाची मैं बहुत ही खुश हूँ। वो देवता है, देवता। चाची खाना। अरे अच्छा किया तू खाना लाया। ले बेटी। बहुरानी बहुरानी जल्दी चलो जी, बड़ा तूफान आ गया। क्या हो रामू? अजय जवाल अम्मू की फूट गया, तुम चलो। मैं चली चाची। अरे बेटी खाना तू खा कर ला, फिर कभी। तुम अपना ख्याल रखना, तू मेरी तरफ से बेफिक्र रहे। लेकिन ये अरे बहू अच्छा हुआ तू आ गई। तूने क्या जादू कर दिया है राज के ऊपर कि तुझे एक पल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं? अब जा बाबा जाके तू ही उसे मना, मैं तो तंग आ गई। चल रामू। बहुत नाराज हो, माफ कर दो ना। गलती तो हो ही गई, जो चाहे सजा दे मगर रूठिए मत। रामू थाली ही ले आ। अरे अभी तक तुम दोनों का फैसला नहीं हुआ? तूने राज बेटे को ठीक से बनाया था? कब से कोशिश कर रही हूँ। लीजिए फिर से कोशिश करती हूँ। मैं वादा करती हूँ आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी कसम। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बेबी ये मत भूलो, ये सब माल पानी उसी का है, मुझे इसकी जरूरत नहीं।
मोदी, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुमने किसके हुक्म से मजदूरों की पगार बढ़ाई, उन्हें बोनस दिया? बोलो सर। लेकिन मैं नहीं, बहू रानी। व्हाट आई मीन मैडम। रचना देखा मौसी, रचना। हाँ क्या है? मैं पूछ, बोलो ना क्या है। मैं पूछता हूँ, तुम्हारे बाप का माल था जो तुमने मजदूरों में बांट दिया? जी नहीं, मेरे ससुर जी का। मौसी तुम ही कुछ कहो ना। राज बेटा, तूने तो मेरी नाक कटवा दी। बहू ठीक कहती है, सेठ जी सही कहते थे, तुझे बोलना कभी नहीं आएगा, यूं ही बकबक करता रहता। सुनिए, मैं आपकी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ। आइंदा मुझसे बात करनी हो तो तमीज से बात कीजिएगा। अरे कौन मरा जा रहा तुम पर, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। रचना मेरा एक काम कर, ये माया की तस्वीर है, इसे तू कहीं जाके छुपा दे। साहब मुझे क्यों फंसा रहे हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं साहब। अरे उल्लू के पट्टे, इसको घर में रखने को कौन बोल रहा है? अरे ऑफिस के सेफ में जाके रख देना। ऑफिस के सेफ में? हाँ। मर गए राम, मदद कर। सुनिए क्या सब फैलाया हुआ है। राज राज मौसी। हाँ मौसी, वो अनाथ आश्रम के बच्चे हैं ना, उनके लिए कुछ बना के खिला दो। अच्छी बात, मैं देखती। सुनिए 100 रुपया दीजिए ना। आपको 100 रुपए चाहिए? सुना आपने, पहले खाना खिलाओ फिर पानी पिलाओ, ऊपर से अभी इन्हें पैसे दो। क्या हमदर्दी है? ठीक कहा आपने, अगर आपके चारों तरफ निराशा हो, रोज भूखे प्यासे रहना पड़े, नंगे पैर धूप में चलना पड़े, तब शायद आप मेरी बात समझ सके। मगर मेम साहब, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अच्छा, राज साहब आप जानते हैं मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। हाँ। और अगर आप नहीं देंगे तो मैं खुद ले सकती हूँ। रचना मेरे पैसे वहां रख दो, मेरे पैसे वहां रख दो प्लीज। अरे अरे ये किताब, ये यहाँ कैसे आई, मैं कब से ढूंढ रही हूँ। ठीक है वो किताब ले लो, मगर मुझे मेरे पैसे दे दो। थैंक यू। क्या तुझे तो मालूम है मैं पैसे के बारे में बहुत इमोशनल हूं। आई नो डेट सर। अरे वो किताब, उसमें माया की तस्वीरें। गुड लक सर। अरे मैं फंस गया यार, मैं तो फंस गया, मैं फंस गया। लगता अब तक नजर नहीं पड़ी, वरना मारा गया होता। मगर ये सारी किताब गई कहाँ? मौसी ये गेम भी अपनी जीतेगा। अरे देख लूंगी। अनाप चलो मौसी, देखते कैसा जीतता है ये। चलो चलो चलो। हाँ ये ले। बराबर बहू रानी जी, चलिए ना। टीचर क्या हुआ? तू बेमानी करता, मैं नहीं खेलती। कहाँ? ये देखो। क्या है? देखो क्या है? क्या है ये देखो। देखा बराबर, बहुत बेमानी करता, बहुत वेरी सॉरी। अच्छा चलो खेल। सॉरी अब नहीं करना, कभी नहीं। अब करेंगे। अरे राज बेटा खेलेगा, खेलेगा। आजा बैठ जा पास में। हाँ चलो भाई, आजा आजा। रचना सुधा, तुमने तो बुलाया नहीं, हम ही चले आए। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। किसका बर्थडे है? मौसी ये मेरी सबसे प्यारी सहेली सुधा। अच्छा, और इन्हें तो आप जानते ही हैं। और सुधा ये मेरी प्यारी प्यारी मौसी। नमस्ते। जीती रहो। अरे बहू तुमने बताया नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। कैसे बताती मौसी, ये तो मीरा हो गई है मीरा। लेकिन मौसी मुझे याद है, आश्रम में बड़ी प्यार से मनाते थे इसका जन्मदिन। अच्छा ये लो। अरे ये क्या ले आई, बड़ी खूबसूरत है। भगवान करे हमारे घर में भी। जस्ट लाइक अवर राज।
अभी तक कुछ नहीं हुआ। चल ड्यूटी कहीं की, कहीं ऐसा हो सकता है। सच तेरी कसम सुधा, पता नहीं क्यों शादी के बाद वो कुछ रूठे रूठे से रहते हैं। ये तो बड़ा जुल्म है। पहना ना। अरे पहना दे। अरे जीजा जी, जिसे सोचना था उसने सोचा नहीं, पहना भी लीजिए। पहनाइए ना। चलो बेटा और करो शादी।
अच्छा तो आप यहाँ छुपी हैं? वो तो मैंने पहले कहा था कि आप जो है ना बहुत खुद कर सकते, और एक वो वहां रो रही है, चिल्ला रही है, मेरी रचना, मेरी रचना कहाँ गई, मेरी रचना? जब लेने ही आए तो लेने आया हूँ, और मैं है? आपका दिमाग तो ठीक है? तो फिर क्यों आए? हम तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं है, सारी दुनिया जानती है, चलाओ। क्यों? क्यों? क्योंकि मौसी ने बुलाया। और किसने बुलाया? भजरंगी ने, रामू ने, और सबने, सबने बुलाया। और कौन बुलाएगा? हाँ फिर मैं नहीं आती। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, याद रखना, फिर दोबारा कभी नहीं आऊंगा, समझी ना? चोरी की भी गाड़ी नहीं, किसी स्मगलर की भी गाड़ी नहीं, फिर यहाँ क्यों? अच्छा हाँ, ए, शर्म नहीं आती? इतनी पीटा है हाँ, बोलता क्यों नहीं हाँ, जानता नहीं दारू पी के यहाँ सोना गैर कानूनी है हाँ, हालात में बंद करवा दूंगा, बोल पिया है कि नहीं? नहीं हाँ, समझ गया, बोलने की जरूरत नहीं, तजुर्बेकार हूँ, बीवी से झगड़ा हुआ ना हाँ, अरे सभी मर्दों की यही कहानी है, लेकिन मेरा जब झगड़ा होता है रात की ड्यूटी लगवा लेता हूँ औरतों को काबू में रखने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है जो तुम्हारे पास नहीं, तुम तभी बच्चे हो ना हाँ, बॉबी फिल्म देखी है ना? मैंने भी देखी है, अच्छी फिल्म है, उसका वो गाना याद है, वो लड़की कहती है मैं किचन ले जाऊंगी, लड़का कहता है मैं सौतन लेकर आऊंगा, फिर लड़की कहती है मैं कि नहीं जाऊंगी, समझ गए ना? मतलब ये कि जब बीवी सर पर सवार हो तो उसको समझा देना चाहिए कि किसी और जगह कोई सौतन भी है, मेरे पीछे और भी कई लड़कियां भाग रही हैं। बेचारी पागल होंगी। तुम फिर बीच में बोली, मैं भूल जाता हूँ। मुबारकबाद लेने आए हो? मुबारकबाद नहीं, तलाक की रजामंदी लेने आया हूँ। 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, 3 लाख, उससे एक पैसा ज्यादा नहीं, चलेगा? अपने घर का टेलीफोन नंबर तो याद है ना? बेटी रचना कब तक सोती रहेगी, चल उठ। अरे बेटी जा रही है, यूं तो मुझे कहने का कुछ हक नहीं, लेकिन बेटी अगर तूने कोई फैसला ना किया तो बेटी आदमी का कोई भरोसा नहीं होता, चल चल मैं तुझे छोड़ आती हूँ, मैं चली जाऊंगी।
बेटे। खैर यार, माँ, ओ माँ, माँ। चल हट, सुबह से निकला है, अब याद आई है माँ की। माँ, वो अनाथ आश्रम के बच्चे छोड़ ही नहीं रहे थे। तो वही रह जाना था। मालूम है, तेरा बाप अब भी खाना खा के गया है। और तूने माँ? नहीं खाया ना? अरे माँ, कितनी बार कहा है कि तू खा लिया कर। जब मैं यहाँ नहीं था, तो कैसे खा लेती थी? खा लेती थी बेटा, लेकिन निवाला गले से नहीं उतरता था। अच्छा माँ, खीर बनाई है ना? हाँ बेटा, खीर तो बनाई है। तू ठहर, मैं अभी अच्छा, लाई। अच्छा माँ, ये ले बेटा, खा ले। अरे तुलसी, तू अनाथ आश्रम ही गया था ना? हाँ, क्यों? तुलसी की माँ? अरे ओ तुलसी की माँ, अरे अरे चाची। तुलसी, तू तू खबर है रे? ले। अरे पाँव लागू चाची। जुग जुग जी मेरे लाल, आराम कितना लंबा हो गया, मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंचता आशीर्वाद देने के लिए। अरे इतना दुबला खैक हो गया, शहर में कुछ खाने को नहीं मिलता था क्या? कहाँ भैया? आज सुबह। लो चाची खीर खाओ। तू खा, मैं तो रोज ही खाती रहती हूँ। माँ ने बनाई है ना, देखा कितना प्यार करती तेरे को मुँह। लेकिन इसे हमारा कहाँ ख्याल है? तुलसी की माँ, तू ऐसी बात ना कर। तो हाँ, इस बेचारे का तो सारे जग की चिंता सताती है, लाखों में एक है तेरा बेटा। हाँ, अरे मैं तो कहती हूँ भगवान ऐसा बेटा सबको दे। अरे बस बस चाची, थोड़ी तारीफ भैया और भाभी के लिए भी छोड़ दो। अरे बाद में गई भाभी। हाँ वो तो कल मुझे सारा दिन खटिया तोड़ती रहती है, और मैं कपड़े धो धो के मेरी कमर दुखने लगती है। चलो फुर्सत तो मिल गई। हाँ मिल गई। अरे वाह वाह वाह, साड़ियाँ तो बहुत बढ़िया है, क्या मामला है भाई? ऐसा करियो, ये साड़ियाँ तो खुद पहन लीजो, और हमारे जिज्जा जी को अंग्रेजी टोपा पहना दियो। टोल डो मक्का, तो मोहल्ले वाले खुद ही बजा लेंगे। क्यों? और तू घोड़ी बन जाना। कैसी बात करती तुलसी की माँ, अरे कुछ तो शर्म कर, अभी सुबह में मेरे को घोड़ी बना रही है, नहीं तो। और तुझे शर्म नहीं आती कि तुलसी के बापू को इस उम्र में टोपा पहना रही है? अरे बुद्धू की माँ, घर में जवान बेटा है या नहीं? अरे क्या बोली तू, मुझे उसकी जवानी से क्या लेना? जब से घर में बहू आई है ना, मेरा जीना हराम कर दिया। हाँ तू तो पगली की पगली रह गई, मैं तो अपने तुलसी की बात कर रही थी। मैं तो भूल ही गई, तो बात पक्की हो गई क्या? बहू कैसी है दिखने में? अरे चांद लगे हैं, चांद बिल्कुल सीता का रूप है। सीता का रूप है? हाँ मैं भी उसे सीता ही समझ कर लाई थी। पर देख तुलसी की माँ, कहीं ऐसा ना हो कि सीता घर में आए और तेरे को बनवास मिल जाए। हाँ। चुप, जो मन में आता है बकती रहती है। ये लो गोटा, ठीक तरह से लगा के लाइयो। हाँ लगाऊंगी, मेरा क्या है, कुछ भी कहती बुरा मान जाती है। अरे इतने दिन के बाद तेरा बेटा घर में आया, ये नहीं कुछ खाने पीने को पूछती, पानी पिलाती, बस लड़ना शुरू कर दिया। हाँ बड़ी आई, चाहती हूँ बता देती हूँ। पगली कहीं की। माँ क्या? मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? कह दिया ना मुझे शादी की बात मत किया करो। हाँ हम होते ही कौन है जो तुम्हारी शादी की बात करे। नहीं माँ। बेटा माँ बाप पाल पोस कर बच्चों को इसीलिए बड़ा करते हैं कि वो एक दिन उनके सारे सपने मिट्टी में मिला दे। ये बात नहीं माँ, तुम लोग मुझसे जान भी मांगो तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन भगवान के लिए शादी की बात मत करो। ऐसा मत कह बेटा, माँ बाप तो अपनी जिंदगी भी औलाद को लग जाने की दुआ देते हैं। तो इसी के लिए ना कह रहा है ना बेटा, अगर तेरी मर्जी इसी में है तो। तुलसी की माँ, अरे तुलसी की माँ, बधाई हो बधाई हो, अब तो सास बन गई, अब चार पाई पे लेटर बहू पे हुकुम चलाया करना। लो लो मुंह मिटा कर लो। अरे बोलती क्यों, क्या हुआ? अरे बोलना क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अच्छी औरत है। अरे बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ? वो
तुलसी। क्या हो गया तुलसी को? जी वो इससे शादी करना चाहता। क्या इससे शादी करना चाहता है? इस घर का मालिक मैं हूं, इस घर में मैं जो चाहूंगा वही होगा। तुम ही मान जाओ बेटा, क्यों जिद कर रहे हो? माँ जिद ही समझो, आज के बाद अगर इस घर में शादी की बात हुई तो अपने बेटे का मुंह नहीं देखोगी। नहीं नहीं ऐसे मत कहो, आप ही मान जाइए ना। तो ये भी उसके पांव पर रख दो ताकि कल बेटा बाप के मुंह पर तमाचा मारे तो उसकी खुशी के लिए तुम इनकार कर। क्या क्या कह रहे हैं? तो मैं क्या करूं, और उसको गले से लगाऊं कि वाह बेटे वाह, वो बाप को जलील किया। आखिर ये आप ही का तो बेटा है। कौन बेटा, किसका बेटा? अब ये इससे ब्याह करेगा, इससे शादी रचाएगा। पिताजी ऐसा मत कहिए, ये शादीशुदा है। दीवाना हो गया है, एक शादीशुदा लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। दीवाना नहीं, अरे तो मजनू बनेगा, कपड़े फाड़ेगा, लोग पत्थर मारेंगे। तुलसी की माँ खुश हो जाओ, अरे तुमने तो मजनू को जन्म दिया है। राम जाने मेरे बेटे पर किसने जादू कर दिया? किसी ने नहीं, इसने जादू किया है, इसने हमारे घर की सुख और शांति को। पिताजी बाप को आंखें दिखलाता है। जिस रास्ते में जा रहा है तबाही कर ले जाएगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, मिट जाएगा मिट जाएगा। जाती है प्यार में मिट नहीं।
बिल्कुल नहीं बदला, वैसे ही भूला है। और एक वो रचना, रचना ये क्या सोचने लगा मैं, कहाँ थे इतने दिन? तुम्हारी शादी के बाद ही मुझे नौकरी मिल गई। कहाँ? कपड़े की दुकान में, कला मंदिर रायपुर में। और मैं समझती थी तुमने अपनी आराधना से शादी कर ली होगी। शादी अब तो अगले जन्म में ही होगी। क्यों? कुछ ऐसी ही बात है। कितनी खुशकिस्मत होगी वो लड़की, और एक मेरा जीवन है। रचना, मैं आश्रम गया था, शांति चाची से भी मिला था। मुझे भी नहीं बताओगी? तुलसी, सब चल गया, तुलसी सब चल गया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। तुलसी, इस जगह बहुत दर्द होता है, न जिया जाता है न मरा जाता है। तुलसी, तुम जो कुछ गा रहे थे सब गलत था, सब गलत था। प्यार का दूसरा नाम धोखा है, सिर्फ धोखा। रचना, तुमने प्यार से उम्मीद लगा ली? प्यार, प्यार तो बांटा जाता है, प्यार से ही तो आदमी इंसान बनता है। ये क्या? कि मैं तुमसे माफी मांगू, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं? नहीं रचना, मैं ये कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं, नहीं रचना। नहीं राज, तुम गलत सोच रहे हो, प्यार में तो घमंड ही नहीं होता। इस घमंड की दीवार तो तुमने बना रखी है। यह तुम कैसे कह सकती हो? अगर तुमको मुझसे प्यार होता तो तुम मेरी भावनाओं की कद्र करते, मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने कितनी बार कहा एक बार सितार बजा दो, लेकिन तुमने इतनी सी बात भी नहीं मानी।
राज, क्यों आई हो? जैसे तू जानता ही नहीं। ये देखने आई हो कि मैं जिंदा हूं या मर गया? हाँ मैं जिंदा हूं। हाँ जिंदा तो तू जरूर रहेगा, लेकिन इसी तरह परेशान, बेचैन, अकेला इंतजार का कैदी। जानता है क्यों? क्योंकि तू बेवकूफ, बुजदिल, खुदगर्ज और घमंडी है। दुनिया से तुझे सिर्फ लेना आता है, देना नहीं। हर इंसान को तू हकीर और नीच समझता है, और तू तू तो सबसे महान है। कौन सी बड़ाई है तुझ में राज? ये दौलत, शान और शौकत, ये भी तो तेरी अपनी कमाई का नहीं। आज तक जिंदगी में कभी तूने एक घंटे का काम नहीं किया। तू तो दूसरों की दया पर जिंदा है। जिंदगी में जिसका कोई मकसद नहीं, उसका नाम है राज। इसलिए तुम सब मुझसे नफरत करते हो? पगले, अगर हम सब तुझसे नफरत करते तो यहाँ आते क्यों? बड़े अगर छोटों को डांटते हैं, नाराज होते हैं, तो उन्हें सुधारने के लिए। बेटे, तू ही तो हम सबके जीने का एक सहारा है। रो रहा है पगले, मैं सब समझती हूँ, तू उसके बगैर नहीं रह सकता। बेटे, मुझे पूरा यकीन है, अगर तू रचना से एक बार कह दे कि तू उससे प्यार करता है, तो वो तुझे जरूर माफ कर देगी। अगर आपके चारों तरफ निराशा हो, रोज भूखे प्यासे रहना पड़े, नंगे पैर धूप में चलना पड़े, तब शायद आप मेरी बात समझ सके। अंधेर महीना हो गया तलाश करते हुए, हे भगवान, अंतु इसकी रक्षा करना। आश्रम में मेरा नाम तुलसी है। हाँ तुलसी, एक गिलास पानी मिल सकता भैया? पानी ही क्यों, चाय भी पीनी पड़ेगी। आइए बैठिए, मैं भी लाता हूँ, आइए बैठिए। मैंने तुमसे कुछ पूछा तुलसी? क्या कीजिएगा? ये मेरी बात का जवाब नहीं है तुलसी। कौन है मेरे घर में आके मेरे बेटे का मार रहा है? कौन है तू? पिताजी, ये हमारे मेहमान हैं, रचना के पति हैं। तो क्या पूछा है तुझसे? तू बताता क्यों नहीं? आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं रचना से प्यार करता हूँ कि नहीं? हाँ बाबूजी, करता हूँ, लेकिन आपकी तरह नहीं। आराम ज़ादे, अगर फिर कभी रचना का नाम किसी सामान पर आया तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझे? ठीक मेरी बात
बात तो सुन लीजिए। बाबूजी राज बेटे, कैसे हो बेटा? डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं। राज बाबू, आपको कुछ याद है? कुछ तो याद होगा, कहां थे आप? मैं तुलसी को मार रहा था। वो रोशनी, ऐसा आप क्यों पूछ रहे मुझसे? राज बाबू, तुलसी मर गए। कब? 2 दिन हुए। आपको बचाते उसने अपनी जान दे दी। मैं उसके आखिरी बयान की आपसे तस्दीक करने आया हूं। क्या कहा उसने? तुलसी ने अपने आखिरी बयान में आपसे माफी मांगी और यकीन दिलाया है रचना को उसके प्यार का बिल्कुल पता नहीं था। वो सिर्फ आप ही से प्यार करती है, आप ही उसके लिए सब कुछ है। और ये भी कहा है उसे उसके किए की सजा मिल चुकी। राज बाबू, उसकी आखिरी इच्छा थी कि आप रचना को अपना ले। उसे एक ही अफसोस था कि वो अपने बूढ़े मां बाप की सेवा नहीं कर सका। तुलसी, तू आ गया बेटा, कहाँ चला गया था? क्यों अपनी मां को सताता है बेटा? अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुलसी के बापू, तुलसी तो ये रहा, आप कहाँ भटक रहे थे? आओ चलो, आओ आओ, ये देखो ये देखो, तुलसी खड़ा है। बेटा, अब ये तुमसे नहीं नाराज है। अरे बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं? नहीं तो ये फिर चला जाएगा, बोलिए ना। तुलसी की माँ, ये तुलसी नहीं, बाबूजी है। बाबूजी मुझे बाबूजी मत कहिए। क्यों बाबूजी? आप तो मेरे मेहमान हैं। मेहमान नहीं, मैं तो आपका दुश्मन हूं। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से आपका सहारा चला गया। नहीं बाबूजी, इस घर में जो आता है वो मेहमान ही होता है, मेहमान ही होता है। कुछ बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों हैं? क्या बोलूं बाबूजी? कुछ भी बोलिए, मुझे गालियां दीजिए, मुझे जलील कीजिए, मेरी बेइज्जती कीजिए, मैंने आपके बेटे की जान ले ली बाबूजी। नहीं नहीं बाबूजी, आपकी जान बचाना तो उसका फर्ज था, उसकी जगह कोई दूसरा होता वो भी यही करता। लेकिन मेरी वजह से उसकी जान चली गई बाबू, उसकी तकदीर में यही था। और मैंने उसको गालियां दी, उसको मारा, उसको जलील किया। बाबू, दूसरे की पत्नी से जो ऐसे प्यार करता है उसका हश्र यही होता है। वो इसी काबिल था, ऐसा मत कहिए बाबूजी, ऐसा मत कहिए।
उसे उसके पापों की सजा तो मिल गई। कोई पाप नहीं किया उसने, प्यार पर किसी का जोर तो नहीं होता। बाबू ये तो आपका भड़कपन है। नहीं, नहीं नहीं, मैं तो जानवर से भी गाय गुजरा हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैंने आपके बेटे की जान ले ली बाबूजी, मैंने उसे मारा, उसे जलील किया, मैंने उसे बहुत मारा बाबूजी, मुझे सजा दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पागल हो जाऊंगा बाबूजी। बाबू मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? नहीं नहीं, नहीं ऐसा मत कहिए बाबूजी, ऐसा मत कहिए। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं न जी सकूंगा न मैं मर सकूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा बाबूजी, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए बाबूजी, मुझे बचा लीजिए। उठो बाबू, बाबू तुमने अपने गुनाहों का पश्चाताप कर लिया। बाबू बाबू मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह मैंने आपका दिल दुखाया उसी तरह मैं तड़पता रहूं, यही मेरी सजा है, यही मेरी सजा, यही मेरी सजा, यही मेरी सजा बाबूजी, यही मेरी सजा। बेटे तू क्यों दुखी होता है, इसमें तेरा तो कोई कसूर नहीं। मौसी मौसी बहू रानी का पोता चल गया, फिर से वो अनाथ आश्रम में आ गए। अच्छा? राज बेटे जाके बहू को ले आ, अब कुछ न कहना बेटे, जा ले आ, जा बेटे बुला ला, जा। अब और किसकी जान चाहिए, मुझे तो आपने मार ही डाला। लेकिन तुलसी क्या कसूर था उसका? सिर्फ ये कि वो एक इंसान था, उसमें प्यार की पवित्र भावना थी। एक वो था जिसने दूसरों की खुशी के लिए अपनी जान तक दे दी, और एक आप हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। नहीं राजबाबू, नहीं, कल तक आप बोलते रहे मैं सुनती रही, आज मैं बोलूंगी। हर पल आपने मेरी मौत का इंतजार किया, मैं मर ना सकी। मैं घर से निकल आई तो आपकी बेइज्जती हुई, और जब आपसे कुछ ना बन पाया तो आपने तुलसी को मार डाला। क्यों राजबाबू क्यों? इस कागज के टुकड़े के लिए कभी नहीं आई, आज से मैं उसके लिए मर चुका हूं। नहीं नहीं बेटा, रचना ऐसा कभी नहीं कर सकती। बेटा जायदाद बेचने से पहले एक बार फिर सोच लो। अंकल सब सोच लिया है मैंने। तूने क्या किया? सेठ जी ने इतनी मेहनत से जायदाद बनाई थी। जानना चाहती हो तो चलो मेरे साथ।
सावन सीताराम। मौसी, ये रहा पिताजी का पैसा। सर भैया, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझसे उद्घाटन क्यों करवा रहे हो? नहीं दीनानाथ जी, ये उद्घाटन तो आपके हाथों से होगा, पधारी। बेटे चलो, चलो बेटे, कम कम, चलो चलो। तेरे नाम सबको संगति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको संगति। अब तो पिताजी की आत्मा मुझे आशीर्वाद देगी ना? अरे बेटा वो देख, बहू जा बेटा, जा ले उसको, जा बेटा जा, देखना बेटे, देखना वो जा रहे हैं। अब मैं श्री दीनानाथ जी से निवेदन करूंगा कि वह उद्घाटन करने से पहले आपसे दो शब्द कहें। भाइयों और बहनों, इस संसार की रचना करने वाले को तो हम नहीं जानते, लेकिन हम उसे भगवान, खुदा, गॉड के रूप में जरूर जानते हैं। लेकिन अपना सब कुछ देकर इस अनाथ आश्रम बनाने वाले दयालु को न हम जानते हैं न पहचानते हैं, और न जाने क्यों वो अपने आप को और अपने नाम को छिपाना चाहते हैं। जिस तरह भगवान के प्यार का ये रूप सूर्य संसार को प्रकाश और जीवन देता है, उसी तरह इस सज्जन ने दुख दर्द में डूबे हुए अनाथों को अनाथ आश्रम के जरिए अपना प्यार दिया है। भाइयों, मैं बड़ा अभागा हूं, मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं, फिर भी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि अगर जिंदगी में मेरी कोई भी सुख हो, उस सुख को इस अनाथ आश्रम बनाने वाले देवता की झोली में डाल देना और उसके सारे दुख मेरी झोली में डाल देना। इस पर्दे के पीछे जो नाम लिखा गया है, यह आश्रम उसी के नाम से जाना जाएगा। आइए दीनानाथ जी।